क्राइम ब्रांच की एजीएस यूनिट ने एसीपी नरेश और इंस्पेक्टर पवन के नेतृत्व में एक पासपोर्ट का जो वीज़ा बनाने वाले गिरोह का फॉर्ज तरीके से उसका पर्दाफाश किया है। इसमें हमने 8 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें ये जो एक फर्जी तरीके से एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी चला रहे थे ये लोग, और ये लोग अब कई स्टेट्स के लोगों को टारगेट करके उनका वीज़ा लगवाने की कार्य करते थे। और वीज़ा लगाने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, बैंक डॉक्यूमेंट, बैंक से लेके नौकरी के डॉक्यूमेंट्स को लेके जितने भी जो वीज़ा के लिए अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबकी फॉर्जरी करते थे। इनके पास इन्होंने उनके और बैंक्स के स्टैम्प्स, कंपनीज के स्टैम्प्स और सारे स्टैम्प लगा के एक वीज़ा एप्लीकेशन लगवा के इन लोगों को बाहर विदेश भेजा करते थे। इसमें हमने करीब 300 से ज़्यादा ऐसे पासपोर्ट्स को सीज़ किया गया है इन एजेंट्स के द्वारा, और ये उन लोगों को बाहर भेज के और गलत तरीके से, और इस गैंग का इस तरीके से पर्दाफाश हुआ है। इसमें जो 3 लोग जो मेन मेन हैं, एक सुनील बिष्ट है, इनकी ग्रीन टूर एंड ट्रैवल करके एक एजेंसी है, ये कनॉट प्लेस में है। एक नंदा वल्लभ जोशी हैं और बलदेव राज हैं, ये तीनों लोग मेन शख्स हैं इसमें। इनकी सुनील बिष्ट पे पहले भी 27 मुकदमे हैं और बलदेव राज पे भी एक मुकदमा पहले इसी तरीके का है। और इसमें जो एजेंट्स हैं, 3 हमने एजेंट्स को पकड़ा गया है, जो अंश मदान हैं और बलिहार सिंह और कुलदीप सिंह। ये अलग अलग जगह, अभी जैसे कि पंजाब में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये अब गुजरात और इन स्टेट्स को टारगेट कर रहे थे जहाँ से लोग ज़्यादा बाहर जाना चाहते हैं, और उनसे कॉन्टेक्ट करके उनको यूपी, हरियाणा, गुजरात और उनको बाहर भेज रहे थे। और एक जो आदमी जो इसमें जो बहुत ही कंप्यूटर सेवी है और जो पूरा सारा इसने सारी जो डिजिटल एविडेंसेस को फॉर्ज किया है, उसका है नाम पंकज कुमार शुक्ला। ये सब चीज़ ऑटोमेट करके इसने किसी भी बैंक का आप कोई सा भी अकाउंट जनरेट करवा लीजिए और किसी भी तरीके के